हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको इस वीडियो सीरीज में हिप्पीफाई कंसेप्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये वीडियो सीरीज स्पेशली हिप सॉर्ट के लिए बनाई गई है, जिसमें से हिप ट्री मैंने ऑलरेडी पार्ट वन में एक्सप्लेन किया हुआ है। हिप ट्री क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, वो आप उससे गो थ्रू हो जाके फिर ये वाला वीडियो रिज्यूम करना। तो हिप सॉर्ट क्या होता है, हमारे पास एरे है, एरे के एलिमेंट्स है और वो हमें सॉर्ट करने हैं। उसके लिए बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है, उसमें से ये वीडियो और ये लेक्चर सीरीज मैं आपको हिप सॉर्ट एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ। हिप सॉर्ट यूज करके आप दिए हुए एरे को सॉर्ट कर सकते हो। बेसिकली जहां तक सॉर्टिंग का सवाल है, हमें कंपैरिजन करके सॉर्टिंग करना होता है, तो ये जो टेक्निक है वो भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसमें हम बाइनरी हिप डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो वो बाइनरी हिप डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, वही मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये जो वीडियो होता है, ये जो सॉर्टिंग टेक्निक होता है, इसमें ये देखा जाए तो सिलेक्शन सॉर्ट से इक्वल है, सिमिलर है। अगर आपको सिलेक्शन सॉर्ट पता नहीं है तो यहाँ पे मैं सिलेक्शन सॉर्ट का भी शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी अगर हम हिप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बोलते हैं, तो हिप डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें ये दोनों चीजों का आना बहुत जरूरी है, इसके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो की है एरेज एंड ट्रीज। क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट, ये दोनों डेटा स्ट्रक्चर ही हमें यूजफुल रहेंगे अगर हमें हिप डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करना है और उसका वर्किंग देखना है। तो एरे के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा एरेज इन सी लैंग्वेज वाला वीडियो यहाँ पे मैं फ्लैश कर रही हूँ, वो आप देख सकते हो। ट्रीज के बारे में, स्पेसिफिकली कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपको उस वीडियो का शॉर्टकट लिंक टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री यहाँ पे फ्लैश कर रही हूँ, वो भी आप देख सकते हो। तो ये जो हिप डेटा स्ट्रक्चर है, उसके लिए हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरे की जरूरत होती है, और वो जो कंस्ट्रक्टेड बाइनरी ट्री होता है उसे ही हम हिप और हिप ट्री बोलते हैं। तो हिप ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करना है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाली हूँ। सबसे पहले हिप ट्री दो टाइप्स के होते हैं, आइदर मैक्स हिप करके ट्री होता है और मीन हिप करके ट्री होता है। दोनों आप देख सकते हो वाइस वर्सा है, मैक्स हिप वर्सेस मीन हिप। मैक्स हिप जो होता है, और अगर हमें हिप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है तो बेसिकली ये जो दोनों टाइप होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी पे। तो प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी जो होती है मैक्स हिप और मीन हिप की, वो बेसिकली पेरेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पेरेंट का वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है तो ये हो गया मैक्स हिप, अगर पेरेंट का वैल्यू मैक्सिमम है तो ये हो गया मैक्स हिप, अगर पेरेंट का वैल्यू मिनिमम है अगर उसके चिल्ड्रन नोड से तो ये हो गया मीन हिप। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कोई पेरेंट नोड है उसका वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है। यहाँ पे 12 का वैल्यू 10 और 9 से ग्रेटर है, 10 का वैल्यू 5 और 6 से ग्रेटर है, 9 का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। और यहाँ पे मीन हिप ट्री में उसके पेरेंट का वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से लेस है और मिनिमम है। यहाँ पे 5 का भी वैल्यू 10 और 6 से मिनिमम है, 9 का भी वैल्यू 12 से मिनिमम है। तो ये एग्जाम्पल हो गए है कि हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैक्स हिप क्या होता है और मीन हिप क्या होता है। तो ये हो गया हिप ट्री के दोनों टाइप्स। अभी ये हमें कंस्ट्रक्ट करना है, ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मेनली दो स्टेप्स की जरूरत है।
सबसे पहला स्टेप तो है हमारे पास एरे एलिमेंट्स है, वो उस एरे एलिमेंट से हमें कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे टाइप्स ऑफ ट्री के वीडियो में, आपने वो पहले ही देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने वीडियो सॉरी कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट करने के स्टेप्स दिए हुए हैं। हमें सबसे पहले रूट से स्टार्ट करना है, एक लेवल फिनिश हो गया, नेक्स्ट लेवल को जाने के लिए हमें फिर से उसके रूट के लेफ्ट चाइल्ड से स्टार्ट करना है। एक एक लेवल हमें कम्प्लीटली फिल करते जाना है, ये हो गया आपका कम्प्लीट बाइनरी ट्री। अगर आपके पास कम्प्लीट बाइनरी ट्री रेडी है तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है हिपीफाई। हिपीफाई हमें जो ट्री होता है हमारा कम्प्लीट बाइनरी ट्री जो इस प्रोसेस से हमारे पास रेडी है उसको कन्वर्ट करता है हिप ट्री में, वो आइदर मैक्स हिप ट्री होता है और मेन हिप ट्री होता है। तो ये जो वाला है हिपीफाई यही प्रोसेस मेनली मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ये क्या होता है, व्हाट इज हिपीफाई? तो हिपीफाई जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को हिप ट्री में मॉडिफाई करते हैं और कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री जो कि हमने एरे एलिमेंट से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, उसके स्टेप्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये हिपीफाई प्रोसेस अप्लाई करके जो आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो हो गया हमारा हिप ट्री, वो होगा आइदर मैक्स हिप ट्री और मेन हिप ट्री। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर मैक्स हिप ट्री आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो आपको मैक्स हिप ट्री की प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई करनी होगी जब आप हिपीफाई प्रोसेस अप्लाई करेंगे। उसका मतलब हर टाइम आपको ये याद रखना है कि अगर मैक्स हिप बनाना है तो पैरेंट नोड ग्रेटर होना चाहिए उसके चिल्ड्रन से। अगर मेन हिप ट्री आपको बनाना है तो आपको ये याद रखना है कि पैरेंट नोड की वैल्यू लेस होनी चाहिए उसके चिल्ड्रन से। ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, वही अप्लाई करनी है हिपीफाई करते टाइम, तभी आपको जाके मैक्स हिप और मेन हिप रिस्पेक्टिवली मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें हिपीफाई जो अप्लाई करना होता है वो नॉन लीफ एलिमेंट्स पे अप्लाई करना होता है, दैट इज पैरेंट नोड पे हमें वो अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए बेसिकली तीन सिनेरियोज हमारे पास है। तो ये सारे सिनेरियोज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं मैक्स हिप का एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यही आप इक्वली अप्लाई कर सकते हैं मेन हिप के लिए, जस्ट अपोजिटली, क्योंकि मैक्स हिप में मैं हमेशा एक ही चीज ध्यान में रखने वाली हूँ कि मेरे पेरेंट नोड का वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे मेन हिप बनाना है तो आपको उल्टा ध्यान में रखना है कि आपके पेरेंट नोड का वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से लेसर होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे मैक्स हिप यूज करके, मैक्स हिप का प्रॉपर्टी यूज करके हिपीफाई अप्लाई करके मैक्स हिप ट्री बनाने वाली हूँ। तो ये जो पहला सिनेरियो है, पहले सिनेरियो में हमारा पेरेंट नोड ही उसके चाइल्ड नोड से, चिल्ड्रन नोड से ग्रेटर है, लार्जर है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर हमारा रूट नोड ही लार्जेस्ट एलिमेंट है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी ये जो ट्री है वो आप देख सकते हो कि ये मैक्स हिप ट्री ऑलरेडी है। अभी दूसरा सिनेरियो हम यहाँ पे देखते हैं, सिनेरियो नंबर टू। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान से और गौर से सुनिए। अगर हमारा रूट नोड जो है वो और उसके जो चाइल्ड नोड्स है उसके, अगर वो चाइल्ड नोड यहाँ पे ग्रेटर है देन दैट ऑफ द रूट नोड, रूट नोड हैड लार्जर एलिमेंट एज अ चाइल्ड। सो जो चाइल्ड नोड है वो अगर ग्रेटर है, लार्जर है हमारी रूट नोड से, तो ये आपको बता देता है कि ये हमारा मैक्सिम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है और सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा रूट नोड है, उसका चाइल्ड नोड है 7 और 4। यहाँ पे आप दोनों चिल्ड्रन देख सकते हो कि उसका वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो क्या ये मैक्सिम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं।
ये ट्री मैक्स हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना है? अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास आता है और अगर हमें ये कंप्लीट बाइनरी ट्री को हीप ट्री में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना है? अगर हमारा पेरेंट नोड हैविंग लेस वैल्यू उसके चिल्ड्रन से, तो ये मैक्स हीप तो नहीं है पर हमें मैक्स हीप करना है, तो हमें क्या करना है? उसके चिल्ड्रन दोनों चाइल्ड नोड को कंपेयर करना है। जो सबसे बड़ा चाइल्ड नोड होगा अमंग दीज टू चिल्ड्रन हमें वो सिलेक्ट करना है और वो हमें स्वैप करना है उसके पेरेंट नोड से। तो ये 7 जो है वो लार्जर देन द पेरेंट नोड है और उसके सिबलिंग से भी वो लार्जर है, तो ये हम यहाँ पे स्वैप कर लेंगे। दो जो जो नोड 2 है वो हम उसका लेफ्ट चाइल्ड बना लेंगे और 7 को उसका पेरेंट नोड बना लेंगे। तो अभी इस ट्री में आप देख सकते हो कि पेरेंट नोड उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है, तो पेरेंट इज नाउ लार्जेस्ट। सो अभी आप देख सकते हो और बोल सकते हो क्या ये ट्री हमारा मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, अभी ये जो ट्री है ये मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए अब हम इस ट्री को बोल सकते हैं कि ये हमारा मैक्स हीप ट्री है। ये था हमारा ओरिजिनल कंप्लीट बाइनरी ट्री। हिप्पीफाई अप्लाई करके ये मेरा आउटपुट जनरेट हो गया जो कि है मेरा मैक्स हीप ट्री। ये हो गया सिनेरियो नंबर 2। अभी हम देखते हैं कि हमारा सिनेरियो 3 क्या है जिसमें मोर देन 1 लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाइलाइटेड पोर्शन है ये हो गया हमारा लेफ्ट सब ट्री, ये हो गया हमारा राइट सब ट्री। तो यहाँ पे सिनेरियो 3 क्या बोल रहा है कि अगर मेरा टॉप एलिमेंट जो है वो मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है पर हमारे दोनों सब ट्रीज मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, दे आर इटसेल्फ मैक्स हीप। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 10 जो पेरेंट नोड है उसके दो चिल्ड्रन नोड है 5 और 6 दोनों लेस है, और अगर हम पेरेंट नोड के लैंग्वेज में बोलेंगे तो पेरेंट नोड ग्रेटर है उसके चाइल्ड नोड से, तो ये हो गया हमारा मैक्स हीप पर ये हमारा लेफ्ट सब ट्री है। वैसे ही हमारा राइट सब ट्री पेरेंट नोड ग्रेटर वैल्यू है उसके चाइल्ड नोड से, सिंगल चाइल्ड है उसके चाइल्ड नोड से उसका ग्रेटर वैल्यू, तो ये भी हमारा मैक्स हीप प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और ये हमारा मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। पर क्या आप देख रहे हो यहाँ पे जो हमारा पेरेंट नोड है और रूट नोड है 2 वो हम उसके चिल्ड्रन नोड से दैट इज 10 और 9 से लेस है, तो ये क्या मैक्स हीप है? नहीं, क्योंकि मैक्स हीप में क्या होता है हमेशा पेरेंट नोड बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए उसके चिल्ड्रन नोड से, तो ये तो मैक्स हीप नहीं है। जबकि हमारे लेफ्ट सब ट्री मैक्स हीप है, राइट सब ट्री भी मैक्स हीप है, पर अगर हम पूरा कंप्लीट बाइनरी ट्री यहाँ पे देख रहे हैं तो ये मैक्स हीप नहीं है, तो हमें क्या करना है? तो उसका सोल्यूशन है हिप्पीफाई। हमें हिप्पीफाई प्रोसेस अप्लाई करना है जिससे कि हमें ये वाला ट्री कन्वर्ट हो जाएगा मैक्स हीप ट्री में। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारा ये ओरिजिनल ट्री है, कौन सा नोड है, कौन सा पेरेंट नोड है, कौन सा लीफ नॉन लीफ नोड है, आई रिपीट कौन सा नॉन लीफ नोड है जो कि हिप्पीफाई प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो नोड 2 है वो हिप्पीफाई प्रॉपर्टी सॉरी मैक्स हीप प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा पेरेंट नोड है, उसके ये दोनों चाइल्ड नोड है 10 और 9। यहाँ पे अगर 10 और 9 जो दोनों के दोनों मेरे पेरेंट नोड से बड़े हैं तो ये दोनों सिबलिंग में से हमें एक चूज करना है जो सबसे बड़ा है, तो ये हमने 10 चूज कर लिया। तो क्या होगा अभी ये 2 और 10 ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, और ये दोनों स्वैप होने के बाद आपको फिर से एक बार देखना है कि ये मैक्स हीप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर हम ये वाला ट्री देखते हैं जिसमें 10 पेरेंट नोड है, 2 लेफ्ट चाइल्ड है, 9 राइट चाइल्ड है, तो ये तो ट्री मेरा सेटिस्फाई कर रहा है मैक्स हीप प्रॉपर्टी, तो क्या हो गया मेरा काम? नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मेरा 2 पेरेंट नोड है और उसके चिल्ड्रन नोड्स है
5 एंड 6, तो ये क्या मैक्स हिप है? नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है. अगर तुम्हारा ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, मोर देन वन लेवल है, तो हर एक लेवल का पेरेंट नोड हिप का प्रॉपर्टी, अगर मैक्स हिप है तो मैक्स हिप का प्रॉपर्टी, मिन हिप है तो मिन हिप का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए हर एक पेरेंट नोड. अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको हर एक उस पेरेंट नोड पे हिपिफाई अप्लाई करना है जो कि मैक्स हिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो यहाँ पे क्या हमें करना है, हमारा जो पेरेंट नोड यहाँ पे टू है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा पेरेंट नोड टू है उस पे हमें हिपिफाई प्रॉपर्टी और प्रोसेस अप्लाई करना है. उसके जो दोनों चिल्ड्रन नोड्स है 5 एंड 6, इसमें से हमें एक नोड सिलेक्ट करना है जो ये दोनों सिबलिंग में से ग्रेटर है, तो ये हो गया 6. तो हम 6 उसके पेरेंट नोड के साथ स्वैप कर लेंगे. तो स्वैप करने के बाद 6 हो गया पेरेंट नोड, 2 हो गया उसका राइट चाइल्ड. अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इसके चाइल्ड नोड्स, दैट इज 6 एंड 9. 6 भी 5 और 2 से ग्रेटर है, 9 का तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है, वो तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है. तो हर एक पेरेंट नोड जिसका वैल्यू उसके चाइल्ड नोड से ग्रेटर है, तो ये पूरा ट्री अब हमारा हिप ट्री, मैक्स हिप ट्री स्पेसिफिकली बन गया है, क्योंकि हर एक पेरेंट नोड उसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है. सो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल कंप्लीट बाइनरी ट्री था. यहाँ पे हिपिफाई अप्लाई कर करके हमने उस ट्री को मैक्स हिप ट्री में कन्वर्ट कर लिया है. तो इस तरह से आप यहाँ पे हिपिफाई अप्लाई करके कंप्लीट बाइनरी ट्री, जो कि हिप ट्री नहीं है, उसको हम हिप ट्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पे मैंने लास्ट में एक नोट लिखा है, टू मेंटेन द मैक्स हिप प्रॉपर्टी इन ट्री, जहां पे दोनों सब ट्रीज आर मैक्स सब ट्रीज है, तो हमें रूट नोड को यहाँ पे देखना है और पेरेंट नोड को हमें यहाँ पे देखना है, और रिपीटेडली हमें उसको शिफ्ट करते जाना है डाउनवर्ड्स टू बिकम इट एज अ लीफ नोड और टू बिकम इट एज अ मैक्स हिप. यही आपको सेम थिंग अप्लाई करनी है अगर आपको मिन हिप का ट्री चाहिए. उल्टा सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि मैक्स हिप के लिए पेरेंट नोड ग्रेटर होना चाहिए उसके चिल्ड्रन नोड से, और मिन हिप अगर आपको बनाना है तो आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि उसका पेरेंट नोड लेस होना चाहिए उसके चाइल्ड नोड से. सो इन दिस वे आपको हिपिफाई अप्लाई करके मैक्स हिप ट्री और मिन हिप ट्री कंस्ट्रक्ट करना है. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो. इस वीडियो सीरीज में मैंने आपको हिपिफाई एक्सप्लेन किया हुआ है. अगला वाला वीडियो होगा जिसमें मैं सॉर्टिंग आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप मेरे चैनल के साथ ट्यून रहिए. अगर आपको मेरे वीडियो के कंटेंट और वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करना ना भूलिए, और मेरे चैनल को टेकटॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए. मैं यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिंक भी आपको प्रोवाइड कर रही हूँ. आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए. ये बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा. यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. यहाँ पे मैं मेरी इस लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट वाला वीडियो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जो कि होगा सॉर्टिंग ऑन कंस्ट्रक्टेड मैक्स हिप. थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग. थैंक यू.